अब आपको सीधा ले चलते हैं कांग्रेस के पैदल मार्च में, जहां से मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है। और हमारे साथ मलखान मीणा सीधे जुड़ चुके हैं। मलखान मलखान, आज कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर पैदल मार्च निकाल रही है पूरे राजस्थान में। मलखान, आप क्या मुझे सुन सकते हैं? देखिए बिल्कुल रूपनारायण, ये तस्वीरें हैं जो सड़कों पर एक बार फिर से कांग्रेस नजर आ रही है। जिस तरह की मणिपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर जिस तरह से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरेवासी, सर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर आई है, किस मामले को लेकर? देश में अकेली कांग्रेस सड़कों पर नहीं है, पूरा देश सड़क पर है। लोग मणिपुर का वीडियो देखकर रो रहे हैं, परेशान है, लोग दुखी हैं, इसलिए हालात बहुत खराब है। और ये मानकर चलना बीजेपी बच नहीं सकती, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी यदि जवाब नहीं देगी तो देश का भरोसा टूट जाएगा। आज मणिपुर जल रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं, हालात खराब। इसलिए तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। लगातार देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी का महिला मोर्चा जो प्रदर्शन कर रहा है, वो प्रदर्शन आप ये मानकर चले नाटक है। भारतीय जनता पार्टी को ही तो जवाब देना है। जिस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है वो बीजेपी कैसे बच सकती है? केंद्र सरकार बीजेपी के पास है, मणिपुर की घटना के लिए जिम्मेदारी बीजेपी है। वो बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती और बच नहीं सकती। बीजेपी तो राजस्थान की तुलना मणिपुर से कर रही है, यही तो बीजेपी का पाप नजर आ रहा है। मणिपुर को आप बीजेपी कांग्रेस में मत बांटिए। बीजेपी कांग्रेस में कैसे बांट सकते हो? मणिपुर हमारा है, तिरंगे का है, तिरंगे की अपनी एक पावर है। तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सबको मणिपुर को मजबूत करना है, और यदि हम तिरंगे को मजबूत नहीं कर सकते तो देश कैसे मजबूत होगा? इस वक्त तो जिम्मेदारी हम सबकी एक ही है कि किसी भी कीमत पर मणिपुर में हालात सुधरे। आप मुझे ये बताइए, लोकसभा में बहस नहीं करना चाहते, सच पे डिस्कस नहीं हो रहा, सच कोई बोलना नहीं चाहता। जो हालात बिगड़े उसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है तो केंद्र सरकार को तो अपना जवाब देना ही पड़ेगा ना। ये केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जमादार बच केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। केंद्र सरकार अपने उससे बच नहीं सकती, ये मानकर चलना। ये तस्वीरें थी जो प्रताप सिंह खाचरेवास थे हमारे साथ में, और हमारे साथ में महेश जोशी, हमसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, महेश जोशी से भी है, और लगातार बातचीत करेंगे कि जिस तरह से जो कांग्रेस है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीर दिखे, महेश जोशी भी हमारे साथ में। सर लगातार एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर? देखो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। मणिपुर में न्याय मिलना चाहिए, जनता को सुरक्षा होनी चाहिए, वहाँ की हिंसा बंद होनी चाहिए, आगजनी बंद होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो राजस्थान की भी जिक्र करते हैं कि राजस्थान, अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री से ऐसी बातें कहलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से मणिपुर की जो घटना है उसको लेकर लगातार जो प्रदर्शन कर रही है सड़क पर कांग्रेस, तो ये तस्वीरें हैं जो लगातार आपके सामने हैं। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार जयपुर शहर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस वो यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह की जो मणिपुर की घटना है उसको लेकर कांग्रेस में काफी रोष है। ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह के महिलाओं के साथ मणिपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है और प्रदर्शन कर रही है, कह रही है बीजेपी को के ऊपर सीधा निशाना साध रही है। लगातार बात करेंगे। पान सिंह तोमर की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का डायलॉग था, पेड़ के अंदर तो बागी पाए जाते हैं, संसद में तो डाकू तो संसद में होते हैं, वो वाक्य सिद्ध साबित होता दिख रहा है। जब केंद्र की तानाशाही सरकार जब महिलाओं के मामले में चुप हो, ऐसी सरकार को तुरंत पद से त्याग देना चाहिए। इसी के आवाज में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे महिलाओं के समान। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, और हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जिनमें काफी आक्रोश है, लेकिन और भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर? मणिपुर की जो घटना है एक्चुअल में हम समझ ही पाए, मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि
बेटी पटाओ, तो हम वो चीज समझ नहीं पाए। अगर उनका ऐसा ऐसा कहने के पीछे मकसद भी नहीं था तो वो आज जो घटना घटी है उसके ऊपर वो गौर देते। जिस तरह से मणिपुर की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है, उन्हें मारा गया, पीटा गया, औरतों को नहीं, आप आदमी को भी ले ली, जिस तरीके से उनके साथ घटना घटी है, इसके लिए सांसद में विशेष प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में भी महिलाएं सुरक्षित, राजस्थान बहुत सेफ है, अपनी आंखों पे से पट्टी हटाइए, पहले आप अपने गृह बार में झाकी फिर दूसरों को बोलिए, हमारा राजस्थान बहुत अच्छा है, महिला बहुत सुरक्षित है राजस्थान के अंदर। देखिए हमारे साथ और भी महिला, क्या कहेंगे जिस तरह की मणिपुर की जो घटना है उसको लेकर? बहुत ही शर्मनाक घटना थी, हर महिलाओं का दिल और आंखें सब रो रही थी, पूरा देश रो रहा था जो मणिपुर में महिलाओं की स्थिति है। बिल्कुल, अर्चना शर्मा भी हमारे साथ में। मैडम, जिस तरह की जो एक बार कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है महिलाओं के सम्मान को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए आज जो कांग्रेस सड़क पर है वो पूरे देश की भावना को लेकर सड़क पर है। आज देश की महिलाएं चाहती हैं कि जो अस्मत लूट रहे हैं महिलाओं की मणिपुर में, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री बर्खास्त हो, केंद्र की मोदी सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे, और ये जो ढकोसला है ना कि वाटर बाउंड्री होती है, डबल इंजन सरकार, इन सबका समापन होना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि महिलाओं के शरीर को किसी भी स्वरूप में, किसी भी स्ट्राइफ एरिया में इस्तेमाल नहीं किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्वलंत प्रश्न है और मैं समझती हूँ इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसे कहते हैं अंग्रेजी में व्हाटअबाउटरी, यानी आपके सामने ज्वलंत मुद्दा है, आप उसे ध्यान भटकाने के लिए कोई और प्रश्न दाग देते हैं। राजस्थान तो वो राज्य है जिसे प्रतिमान स्थापित किया, 180 मिनट में गैंगरेप के आरोपियों को हमने पकड़ा, क्या मोदी सरकार ऐसा दावा कर सकती है? बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं जो लगातार आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह की जो मणिपुर की घटना है उस घटना को देखते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप लगातार, ये जो पूरे जयपुर शहर की तस्वीरें हैं और जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, मणिपुर की घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और आज ज्ञापन भी देंगे। तो ये तस्वीरें हैं जो लगातार देखिए सड़कों पर हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, जिनमें आक्रोश है मणिपुर की घटना को लेकर। मलखान, मलखान आप मुझे सुन पा रहे हैं? मलखान एक सवाल ये भी पूछना कि केंद्र सरकार है, वो विपक्षी राज्य में जिनकी सरकार है, वहां को लेकर भी, महिला हिंसा को लेकर वो सदन में चर्चा करनी चाहती है, उनसे भी वो सवाल पूछना चाहती है, तो विपक्ष उससे क्यों बच रहा है? धन्यवाद मलखान तमाम जानकारी के लिए। मलखान थे जयपुर से लाइव थे, जो कांग्रेस के पैदल मार्च को, मणिपुर हिंसा को लेकर जो कांग्रेस